Assalamualaikum friends, मेरा नाम है अब्दुल्ला, मैं अपने YouTube चैनल को वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको एग सैंडविच बनाना सिखाऊंगा, वो आपके बच्चों को भी पसंद लगेगा, आपको भी पसंद लगेगा। चलिए अब हम उसका मिक्सचर बनाने चलते हैं। ये है उबला हुआ अंडा, एक चम्मच मक्खन, एक चम्मच मायोनीज, एक चम्मच केचप, दो चुटकी नमक, दो चुटकी काली मिर्च। चले अब हम बनाने चलते हैं। अगर आप ये देखें, हमने स्लाइस के किनारे उतार लिए हैं। अगर आपके बच्चों को खीरे पसंद लगते हैं तो आप डालें, वरना तो ना डालें। चले अब हम उसका मिक्सचर बनाने चलते हैं। एक ये डालेंगे यहाँ पे, ये डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी मायोनीज डालेंगे हम, थोड़ी सी केचप डालेंगे, थोड़ी सी दो चुटकी हम नमक डालेंगे, दो चुटकी हम ये डालेंगे काली मिर्च। अब हम इसको मैश कर लेंगे। आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है कि इसमें से कोई जर्दी कोई सफेदी ना छोटी छोटी हो जाए, कोई भरी ना आ रहे, वरना तो आपका एग सैंडविच अच्छे से नहीं बनेगा। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, ये छोटी छोटी हो रही है। आपने ऐसे से ही आपने इसको मैश करना है। देखिए गाइस, अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये जो हमने आपको ब्रेड खाई थी, ये इसके किनारे उतर रहे हैं। अब हम इसको लगाएंगे, इसको आपने अच्छी तरह लगाना है और आपने अच्छी तरह मिक्स भी करना है कि इसके अंदर कोई फुटियां ना रह जाए अंडे की। ये देखें, हमारा बस लगने वाला है। ये देखें, हमारा लग गया। हेलो गाइस, देखें हमारा मिक्सचर लग चुका है। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, दूसरे स्लाइस पे केचप लगाएंगे। आपने केचप बहुत अच्छी तरह लगानी है। हेलो गाइस, देखें हमारा मिक्सचर लग चुका है। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, दूसरे स्लाइस पे केचप लगाएंगे। आपने केचप बहुत अच्छी तरह लगानी है। बस ये देखें, हमारी केचप लग गई है। अब हम इस वाले स्लाइस के अंदर अब हम खीरे लगाएंगे। अगर आपके बच्चों को खीरे पसंद हो तो आप लगाएं, वरना तो ना लगाएं आप। इस स्लाइस अब दूसरा स्लाइस केचप वाला वो लगाएंगे इसके ऊपर। अब इस प्लेट में रख देंगे, इस प्लेट को सैंडविच की तरह काट लेंगे। ठीक है गाइस, हमारा एक कट गया है। अब इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए गाइस, हमारा कट गया है। अब हम इसको ऐसे सर्व करेंगे। आप भी इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखना, आपके बच्चों को भी ये पसंद लगेगा। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय।